Hey everyone, this is Mia Bhaknazar. Welcome back to Love Reaction. काफी दिनों से मैं एक अच्छी रिएक्शन वीडियो शूट करना चाह रही थी, तो मुझे एक कंटेंट नहीं मिल रहा था कि यार जो बेस्ट हो, जिसको मैं शूट करूँ तो मुझे मजा आए देखने के लिए. लेकिन रिसेंटली मेरी मामा ने मुझे अपडेट किया कि एक पाकिस्तानी बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा आई थिंक आ चुका है, तो मुझे नहीं पता अभी. बट मेरी मामा ने मुझे सजेस्ट किया कि अब तुम इस गाने पे डेफिनेटली इसके OST पे रिएक्शन करो. तो भाई मामा की बात कैसे डाल सकते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ मिलके ये गाना देखा जाए. तो गाइज ये गाना है ग्रीन चैनल जो है, जो बेसिकली यूट्यूब पे चल रहा है, तो उनका एक नया ड्रामा आया है जेंटलमैन. उनमें है हुमायूं सईद, यमुना जैदी और भी काफ़ी कास्ट है, बट मैंने अभी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया. बट इसका OST मेरी मामा ने सजेस्ट किया है.
प्लीज हैप्पी एंडिंग करना, ऐसे मत करना यार, बहुत प्यारा शूट हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आतिफ असलम की तारीफ करूँ, मैं ओएसटी की तारीफ करूँ या मैं यमुना और हुमायूं की तारीफ करूँ। यार बहुत अच्छा है सब कुछ, इतना परफेक्ट, इतना परफेक्ट यार। अच्छा मेरे पास ना ग्रीन के जो ड्रामे है ना, उनका बहुत टाइम से आ रहा था कि भाई रिव्यू करें, बट मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी और मेरे मामा ने बोला कि भाई करो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप मुझे बताएं मत, मैं देखूंगी ना। तो यार इतनी खूबसूरती से जब वो माइक दिल के पास जाते हैं और वो गन रखती है, वो फूल निकालते हैं, व्हाट अ सीन यार। स्टार्ट का सीन है ना, बहुत प्यारा पिक्चराइज हुआ है। हुमायूं इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा मुझे ना फर्स्टली पहले मुझे हुमायूं सईद नहीं पसंद थे, देन मैंने जब देखा उनका मेरे पास तुम हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर, और हुमायूं ने जान डाल दी उस कैरेक्टर में भाई ऑनेस्टली। बट इस ड्रामे में तो वो अखीर ही लुक दे रहे हैं, मतलब लाइक एंड। यमुना भी अच्छी लग रही हैं, क्यूट लग रही हैं, लाइक ऑलवेज वो क्यूट लग रही हैं, पर आतिफ असलम ने बहुत प्यारा ट्रैक गाया है। आतिफ असलम तो भाई रूह में उतर जाते हैं, गाने को इतना फील करके गाते हैं, इतना अच्छा कर देते हैं उस चीज़ को कि उसको चार चांद लग जाते हैं। एक तो ड्रामे की पिक्चराइजेशन मुझे बहुत शानदार लग रही है, मुझे इन लोग की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, और सबसे बड़ी बात कि मुझे ड्रामे का जो ट्रैक है ना वो अलग लग रहा है। जब मैं इनका प्रोमोस देखूंगी ना देन हम लोग ड्रामे पे बात करेंगे, पर फिलहाल हम करते हैं ओएसटी पे बात। तो आतिफ असलम ने कर दी है अखीर जो बात, वो कहते हैं ना तुम्हारी चुप, ओए होए बड़े प्यार से गा दिया उन्होंने ये बात, तुम्हारी चुप बड़ी प्यारी कर दी है। और ओवरऑल ओएसटी बहुत मजे का था, आजकल के ओएसटी से बहुत हटके था, और बहुत स्लो रिदम ट्रैक में पूरा ओएसटी चलता रहा, और हर बात में कोई ना कोई उन लोग की स्टोरी से रिलेट एक मीनिंग था, तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इसके गाने के लिरिक्स जो सबसे अच्छे इसके डायलॉग्स है ना, वो है कि कहेंगे तुमसे दिल की बातें, छुपा के रखना बड़ा गुनाह है। क्या बात है। तो यार मुझे आप लोग भी ज़रूर बताना कि आप लोग को इस ओएसटी में सबसे अच्छा क्या लगा, और अगर आप लोगों ने ड्रामा देख लिया तो ड्रामा कैसा जा रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ग्रीन के अगर आप लोग और किसी ड्रामे के देखना चाहते हो रिव्यू मेरे साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।